नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट चैनल। दोस्तों अभी रिसेंटली आज ही अगर हम देखें तो IBPS RRB PO का मेंस रिजल्ट आउट हुआ है और अभी बैक टू बैक दो और ऐसे एग्जाम हैं जिनके PO के मेंस रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि SBI PO है और एक IBPS PO है। तो ये तीन बड़े एग्जाम है और इसके अलावा SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो अगर देखा जाए तो टोटल चार ऐसे बड़े एग्जाम्स हैं जिनके इंटरव्यूज आपके अभी अलाइंड हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल वीडियो स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि सर किस तरह से इंटरव्यू को तैयार किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो इस दौरान हमें पढ़नी होती हैं, क्या क्या बातें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आराम से समझिएगा, पूरी चीजें बताऊंगा एज पर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। थोड़ा टीचर के एक्सपीरियंस को साइड में रखते हुए एज एस्पिरेंट क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है वो हमें देखना है। और पहले इस चीज को समझना होगा दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है बैंक एग्जाम्स का, किसी भी बैंक एग्जाम का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, ये एक रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है। रिजेक्शन प्रोसेस जैसे हम प्राइवेट में इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां अगर रिटर्न होता भी है तो रिटर्न केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। वहां पे सिलेक्शन बंदे का जो डिपेंड करता है, किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन इंटरव्यू। लेकिन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो इंटरव्यू होते हैं वो एक प्रोसेस, एक राउंड की तरह होते हैं। इसमें आपको मार्किंग मिलती है, ठीक है, और आपके रिटर्न स्कोर और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में फिट करके आपका फाइनल सिलेक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहता हूं, इट्स नॉट अ रिजेक्शन प्रोसेस। तो इसलिए बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन लोगों का पहली बार इंटरव्यू होता है वो लोग बड़े हाइपर हो जाते हैं कि यार इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, बट ऑब्वियस है, बट नेचुरल है ये, ठीक है, होना ही है। लेकिन अगेन, अगर आप सच में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है या मेरी चीजों को फॉलो किया है, तो मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक एग्जाम्स का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा खुद का इस तरह का कुछ रहा है कि वो बहुत रिलैक्स रखते हैं, ठीक है। वो कोई अंडर प्रेशर में नहीं लेके आते हैं आपको, या फिर वो अपने पोस्ट और अपने सीनियोरिटी की वजह से आपको किसी अंड्यू प्रेशर में नहीं डालेंगे। वो जितना हो सकेगा आपको कंफर्टेबल रखेंगे। जो भी घबराहट होती है, जो भी नर्वसनेस होती है, वो हमारी अपनी होती है, वो उनकी तरफ से डाली गई नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपने खुद के मन को, खुद के दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेंगे। दैट्स माय गारंटी, ठीक है। यही एक मेन चीज होती है जिसको आपको कंट्रोल करना है। अगेन, इस फेज में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर क्या पढ़े, कहां से पढ़े, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़े, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, या अपने एकेडमिक्स चीजों को पढ़ें क्वेश्चन, क्योंकि एकेडमिक से भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया देने वाला हूं कि किस तरह से यू हैव टू क्या बोल सकते हैं आप, आगे अपनी प्रिपरेशन को आपको आगे लेके चलना है स्पेसिफिकली फॉर इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर। माइट बी आप मेरे तरीकों से कुछ लोग मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अपोजिट विचार भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए ये मैं जो भी बताने जा रहा हूं ये इसमें कोई एज अ टीचिंग एंगल और रख के नहीं बता रहा हूं, एज अ एस्पिरेंट एंगल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और एक पैनल मेंबर जो इस इंटरव्यू में पैनल बैठता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्रॉम अ कैंडिडेट, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हम भी काफी समय से ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोगों का इंटरेक्शन जो पैनल मेंबर होते हैं उनके साथ भी काफी रहा है, जो खुद इंटरव्यूज में बैठते हैं, ठीक है। तो उसी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, और एकदम प्रैक्टिकली चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर हर कोई अच्छा या बुरा कर सकता है, मैटर नहीं करता है कि आपने पीछे क्या किया है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पैनल के सामने, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ अचीव कर रखा होता है बट वो उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सारी चीजें ड्रॉबैक्स हो जाती है इन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। और आपने ये लाइन बड़ी सुनी होगी कि इंटरव्यू को हमें अपने हिसाब से चलाना चाहिए,
कई लोगों ने ये कहा है। तो ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है, लेकिन इसको सीखा जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है कि इंटरव्यू को अपने आप से चलाना क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगा, लेकिन वो एक थोड़ी सी डिटेल चीज होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंट। ओके, आप लोगों के और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होंगे, हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलेगा, क्लियर, तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस में आपका सारा ड्रेसिंग कोड, किस तरह से दिखना चाहिए, सब कुछ आ जाता है। यानी यू शुड बी अपीयर्ड एज अ कैंडिडेट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली फॉर ऑफिसर ग्रेड। ऑफिसर ग्रेड के लगने तो चाहिए, ठीक है ना। तो कई लोग बहुत कैजुअल रहते हैं इन देयर ड्रेसिंग सेन, इन देयर अपीयरेंसेस। तो आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि योर अपीयरेंस हैज टू बी फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल किस तरह से होगा, तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ शर्ट और पैंट पहनना इज नॉट फॉर्मल। ठीक है, क्लियर। फॉर्मल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बॉयज की बात करें, ठीक है, तो बॉयज को किस तरह से अपने अपने आप को अपीयर करना है, तो सबसे पहले अगर आप ड्रेस कोड की बात करेंगे तो ड्रेस कोड बहुत ही क्लियर है कि भैया आपको एक अच्छा ट्राउजर और एक अच्छी शर्ट रखनी है। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप डार्क कलर का ट्राउजर लेते हैं तो शर्ट हैज टू बी अ लाइट कलर। ठीक है, और कोशिश कीजिए एकदम अल्ट्रा वाइट ना पहन के जाएं। कई लोग क्या करते हैं, लाइट के अंदर वाइट को ही समझते हैं, तो वाइट थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप वाइट पहन भी रहे हैं तो या तो फिर लाइनिंग के साथ पहने, या फिर स्पॉट्स के साथ पहने, या डॉट्स के साथ, जैसे डॉट वगैरह बने रहते हैं। प्योर व्हाइट क्या हो जाता है, कई बार आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको कम से कम 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उसमें सिक्वेंस से लोगों को बुलाया जाता है, तो इस प्रोसेस में 3-4 घंटे चले जाते हैं। और अगर इस 3-4 घंटे की वेटिंग प्रोसेस के अंदर अगर आपका व्हाइट शर्ट खराब हो गया, कहीं से कुछ दाग लग गया, कोई धब्बा लग गया, क्योंकि वहां पे भी मिट्टी विट्टी हो सकती है, ठीक है ना, तो कुछ भी अगर होता है तो व्हाइट पे थोड़ी सी भी गंदगी बहुत उठ के दिखती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर सकती है। तो कोशिश कीजिए एकदम अल्ट्रा व्हाइट ना पहने। ऐसा नहीं है व्हाइट पहनना नहीं है, अगर आप केयर करते हैं, अपने आप को कैरी करके चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कैरी विद द अल्ट्रा व्हाइट थिंग। लेकिन सजेस्ट मैं करूंगा कि कोई हल्का लाइट कलर ऐसा पहने जिसे लाइट ब्लू हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है, लाइट येलो हो जाता है, लेकिन लाइट कलर ही पहने, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर एज अ फॉर्मल थिंग। और अगर आप ट्राउजर लाइट कलर का पहन रहे हैं, कई लोगों को क्रीम कलर के ट्राउजर पहनना बड़ा पसंद है, तो उस कंडीशन में शर्ट हैज टू बी डार्क, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्लियर। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तैयार होना है। कई लोगों को लगता है सर क्या ब्लेजर पहने क्या, तो जी हाँ ब्लेजर पहन सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लेजर पहनेंगे तो फिर टाई भी जरूर लगाएं, ठीक है, केवल ब्लेजर थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है, ठीक है, अगर आप ब्लेजर पहन रहे हैं तो टाई जरूर लगाएं, और ओनली टाई यूज ना करें, केवल टाई यूज ना करें। जैसे अगर आपने फॉर्मल्स पहने हैं, शर्ट और ट्राउजर पहना है, तो उसके ऊपर सिर्फ टाई मत लगाइए, ठीक है ना, वो कैसा फील होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, अगर किसी ने काम किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसा फील होता है, ठीक है, तो उससे बेहतर है, केवल टाई लगाने से बेहतर है कि फिर आप ट्राउजर और शर्ट में रहें, लेकिन अच्छे से प्रेस आयरन होने चाहिए, क्लियर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ओके, और एकदम नए शर्ट पैंट मत पहन के जाइए। कई लोग क्या होते हैं, एकदम नए पहने जस्ट खरीद के लाते हैं 2 दिन पहले और उनको पहन के जाते हैं, तो उसमें कैसा होता है, जो नए कपड़े होते हैं उनकी क्रीज अलग होती है, ठीक है ना, तो वो जाती नहीं है कई बार पहनने के बाद। तो अगर अगर आप नए खरीद भी रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि उनको एक बार वॉश करके ले लें। अगर आपने न्यू परचेज भी किए हैं तो एक बार वॉश करके आयरन करवाएं और फिर पहने, बहुत अच्छा फ्रेश लगेगा, ठीक है, क्लियर, तो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल रहेगा, वो कपड़ा भी कंफर्टेबल रहेगा और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी तरफ से है कि आपको क्या करना है। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ज्यादा कॉस्टली कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं
कि महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, सोचते बहुत अच्छा लगना है। देखो महंगे का अच्छे लगने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्यों अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा ट्राउजर और शर्ट नहीं है कॉम्बिनेशन के अंदर, तो यार नॉर्मल भी खरीदेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पहली चीज ये समझ में आ गई है, तो एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं और एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपके हेयर जो हैं, आपके बाल जो हैं, वेल कॉम्ब्ड होने चाहिए, ठीक है। कई लोगों को लगता है सर मेरे बाल बढ़े हुए हैं तो क्या कटवा लें। देखिए बाल बढ़ाना फॉर्मल या इनफॉर्मल में या कैजुअल में नहीं आता है। अगर आपके बाल बढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने आपने प्रॉपर उनको केयर करके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अगर रेडी है कटवाने के लिए तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कटवा लीजिए और एकदम बढ़िया से बन के जाइए, ठीक है। तो प्रॉपर कॉम्ब्ड होने चाहिए, ये चीज का बड़ा ध्यान में रखें। बच्चे बालों को लेके बड़े केयरफुल केयरलेस होते हैं कई बार, तो प्रॉपर कॉम्ब्ड होने चाहिए, ठीक है, चाहे आपने बाल बड़े रखे हैं कि छोटे रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है बियर्ड। कई लोगों को लगता है सर बियर्ड है, ठीक है, तो हटाएं या शेव क्लीन शेव होके जाए। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप यूजुअली क्लीन शेव्ड रहते हो तो फिर पूरा क्लीन शेव्ड होके जाइए, नहीं तो वो जो बियर्ड होती है बड़ी अजीब लगती है कई बार। लेकिन इफ यू आर कैरिंग बियर्ड तो उसको ट्रिम करवा के अच्छे से जाइए, हटवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी मेहनत करी होगी आपने, इतना लगा होगा उसके साथ, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ट्रिम करवा के जाइए, ठीक है ना। ट्रिम बियर करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिम बियर्ड लेके जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है गर्ल्स, गर्ल्स कैसे तैयार होके जाएं, अपीयरेंस कैसे फॉर्मल लगना चाहिए। तो गर्ल्स के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अगर पॉसिबल है तो साड़ी आप पहनिए, प्रेफर कीजिए। और अगर हैबिट में नहीं है और अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं देन गो फॉर अ नॉर्मल सूट, ओके, क्लियर। या फिर अगर आप पैंट शर्ट फॉर्मल पहनते हैं, फॉर्मल ट्राउजर एंड ऑल शर्ट यू कैन प्रेफर, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप पहनते हैं तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हैबिट सूट पहनने की और सिर्फ पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आप ये खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है व्हेन यू चेंज योर ड्रेस स्टाइल कई बार आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यू आर थिंक टोटली अबाउट दिस थिंग ओनली, तो ये बहुत बार हो जाता है। तो आपको ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप साड़ी नहीं पहनते और एकदम से किसी ने कह दिया यार साड़ी पहन के जाओ, बड़ा इंपैक्ट होता है, नो डाउट इंपैक्ट होता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आई वोंट सजेस्ट कि गिव इट फॉर इट, ओके। लेकिन अगर आपके पास हैबिट है, आप पहले से भी पहनते आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड गो विद साड़ी थिंग, ठीक है ना। और ज्यादा तड़क भड़क वाली नहीं होनी चाहिए, शादियां वाली या रिसेप्शन वाले फंक्शन की नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। कलर हैज टू बी वेरी वेरी गुड, आंखों को अच्छा लगना चाहिए, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क येलो, ये चीजों से बचना है। सेम विथ सूट ऑल्सो, सूट भी तड़क भड़क वाले नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। और ज्वेलरी नहीं पहननी है। कई लड़कियां जो रहते हैं गलती से या मतलब हैबिट में होते हैं, बहुत सारे रिंग्स वगैरह हाथ में रखते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, चैन वगैरह एकदम शो ऑफ के लिए पहन लेते हैं, तो डोंट डू दैट। तो ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, प्लेन जाइए जितना हो सके, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दिस कम अंडर द फॉर्मल अपीयरेंसेस, ठीक है, क्लियर। अब बालों को आपको खुला रखना है, खुला मत रखिए, आई वुड रिकमेंड हमेशा टाई करके रखिए बालों को, हेयर को आप अपने टाई करके रहिए, खुला मत रखिए, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो टाई करके रखिए, ठीक है। आप बाकी आपके ऊपर है, आपको हेयर स्टाइल क्या रखना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन बाल बंधे हुए होने चाहिए, ठीक है, इट डजेंट लुक नाइस व्हेन यू गो विद ओपन हेयर, ठीक है। थोड़ा कभी कभी, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आपका पर्सनल ये चीजें हैं, इसके अंदर हमारा कोई कमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन जिस चीज में आप कंफर्टेबल है और सामने वाला भी कंफर्टेबल है वो चीज करिए बस। अपीयरेंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाई हील्स वगैरह ये सब मत पहनिए, ठीक है, लड़कों के लिए शूज का बताना भूल गया मैं, शूज जो होने चाहिए, ठीक है, प्रिफर करिए ब्लैक और ब्राउन, ठीक है ना, ब्लैक और ब्राउन, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ योर ट्राउजर, उसके साथ मैचिंग होने चाहिए। अगर आप लाइट ट्राउजर पहन रहे हैं तो ब्राउन जा सकते हैं, और अगर आप डार्क ट्राउजर पहन रहे हैं तो ब्लैक वुड बी फाइन, ठीक है। और क्लीन पॉलिश्ड होने चाहिए दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, पॉलिश करके जाइए। अगर लेसेस हैं तो लेसेस प्रॉपरली टाइड अप होने चाहिए, खुल बार बार खुल जा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और गर्ल्स के लिए नॉर्मल लो हील की सैंडल पहनिए, प्लेन अगर हो सके तो प्लेन सैंडल्स विल बी प्रिफर्ड, ओके, जिनमें हील नहीं होते हैं, ओके।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये अपीयरेंसेस आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएंगी और आपको प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगी। क्लियर? ओके। अभी कई बच्चे ये बोलते हैं सर एंट्री कैसे करना चाहिए, एंटर करते समय मेरे हाथों का पोस्चर क्या होना चाहिए। एक मैं चीज बता देता हूं, इन सब चीजों के बारे में मत सोचा करो। बहुत सारे लोग बताते हैं आपको ऐसे बैठ जाना है, परमिशन, ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियस होती है दोस्तों। और अगर आप एंटर करते समय इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे कि यार मेरा हाथ कहाँ रखना है, हाथ मुझे टेबल पे रखना है कि अपने पैरों पे रखना है, कि हाथों का एंगल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियस होती है दोस्तों। आई वुड रिकमेंड इसके बारे में ज्यादा प्लान करके मत जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम सब प्रिपेयर्ड होते हैं बट हम इन्हीं चीजों में अटक के रह जाते हैं। अरे मैं एंटर ठीक किया कि नहीं किया, मैंने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो नहीं बोल दिया। ये थोड़ी सी चीजें ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस होती है, तो लेट इट बी स्पॉन्टेनियस। इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर काम मत करिए, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है हम कंटेंट से ज्यादा इन्हीं चीजों में, वो कहते हैं ना कई बार कि भाई चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज में थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आई वुड रिकमेंड, मैं खुद कहता हूं कई बार क्या होता है, मतलब डिपेंड्स आप कहां रूम में जा रहे हैं, डोर से लेके चलने तक कितना गैप है, बट अपने आप वो जो क्या बोलते हैं एक रेस्पेक्ट और एक एलिगेंस अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ जो लोग बैठे होते हैं दे आर मोस्ट सीनियर पर्सन, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, वर्किंग भी कर रहे होते हैं, तो भी वो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होते हैं, यानी उनका एज तकरीबन 40 से 50, मतलब 50 के तो अबव होता ही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है बैंक का पैनल कैसा बना हुआ है, तो तकरीबन बड़े एज के होते हैं तो वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ आती ही हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके ऊपर है, आपको लगता है इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आपके ऊपर है, बट आई वुड रिकमेंड कि इसको स्पॉन्टेनियस ही रखिए। जितना स्पॉन्टेनियस ये चीजें रहेंगी उतना आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा जाएगा। ओके, क्योंकि हमें जो सोच करनी है, जो बात करनी है, वो हमारे कंटेंट पे बेस्ड ज्यादा होनी चाहिए रादर देन इन चीजों के। ठीक है, अपीयरेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा कहते हैं हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरव्यू होता ही हार्डली 10 से 20 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट का अगर किसी ने खींचा तो। अदरवाइज आपको ही पता है आईबीपीएस के जो इंटरव्यूज होते हैं, एसबीआई फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ या आरआरबीज इन इंटरव्यूज में हार्डली वो 10 से 15 मिनट आपको अपने सामने बैठने देते हैं, और उसमें भी अगर आपका अपीयरेंस थोड़ा सा खराब है और अगर उन्होंने उस चीज को लेके कोई माइंडसेट बना लिया आपको लेके, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला केस चलता है, क्योंकि वो आपसे बार बार तो मिलने वाले हैं नहीं, ना ही वो आपको जानते हैं, वो तो 15 मिनट का शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जज करते हैं, तो अपीयरेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्लियर गाइस? तो ये चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन। जब आप बैठे, आपने उनको विश किया एंड ऑल, 90% यस 90% तो नहीं, इंट्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जाते ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन उनकी तरफ से बनता है वो रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन होता है। कई बार समय की कमी में ना भी पूछेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनके हाथ में आपका पूरा सीवी होता है। ठीक है ना, तो माइट भी वो इंट्रोडक्शन ना भी पूछें, लेकिन जो पहला एक फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है कई सारे केसेस में वो इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर रखना है। पूछा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं पूछा तो फिर वेल एंड गुड है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। तो इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या पॉइंट रखने हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोशिश करिए उनको इंक्लूड करने का। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। इंट्रोडक्शन हैज टू बी सिंपल एंड मोर ओवर योर फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका एक फैमिली बैकग्राउंड और नीड शो करना चाहिए। क्लियर गाइज, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपको जॉब का नीड कितना है वो शो करते हुए होना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी पिक्चर और इमेज बनती है। कैसे होती है मैं समझाता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते समय यू हैव टू टेल योर नेम, आपको अपना नाम बताना है एंड बिलोंग कहां से करते हैं वो बताना है। ठीक है, बिलोंगिंग प्लेस ये जरूर बताना होता है। ठीक है, अगर नहीं भी बताओगे तो डेफिनेटली दे विल टच दिस टॉपिक। ओके, कहां से प्रॉपर बिलोंग करते हैं। क्लियर, दूसरी चीज इसके बाद सीधा आ जाता है कि आपके फादर का नाम वगैरह नहीं भी बताएं चलेगा, बट फादर का ऑक्यूपेशन,
और मदर का ऑक्यूपेशन, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। समटाइम्स ये जो चीजें होती हैं, मदर ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें आपकी नीड को डिफाइन करती हैं। कई बार ऐसा होता है आपके फादर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, मदर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो फिर वो क्यूरियस हो जाते हैं कि आपको बैंक में क्यों आना है, वाई। क्योंकि बैंक मोर ओवर जो कंसीडर किया जाता है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए होता है। आप नोटिस कीजिएगा, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग बहुत कम इसमें अप्लाई करते हैं, इफ यू नोटिस दैट, ओके। तो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, इस तरह के लोग, बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं फॉर बैंकिंग, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा उनका क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके फादर भी एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी पोस्ट पे और आपकी मदर भी अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो फिर उनका एक क्यूरियस केस बनता है कि यार व्हाई यू वांट टू कम टू बैंक। एक जेन्युइन केस उनकी तरफ से एक क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये होता है। उधर दूसरी तरफ बाय चांस आपकी मदर हाउसवाइफ है और फादर भी एक ऐसी जॉब पे हैं जहां पे वो चैलेंज्ड हैं, मतलब वो चैलेंज डेली अपने मीट्स को, जो रेगुलरिटी है, जो डिमांड्स है, उसको मीट करने के लिए डिफिकल्टी में है, या फिर कोई डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो ये चीजों में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक सिंपथी ओपन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिंपथी जगानी है, जो है वही रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो इससे एक है ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है फॉर यू कि हाँ भैया यार ये मेहनत करके बच्चा यहाँ तक पहुंचा है एंड ही रिक्वायर जॉब रियली। तो ये चीजें थोड़ी सी वर्क करती हैं, ठीक है, क्लियर। एज पर माय एक्सपीरियंसेस एंड द थिंग्स मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा मैटर करता है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थर्ड थिंग की तरफ। उसके बाद अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं तो उनके बारे में डिटेल नहीं बतानी है, बट वो क्या करते हैं वो जरूर बताना है। जैसे अगर आपका बड़ा भाई है कोई, वो जॉब कर रहा है तो कहाँ जॉब कर रहा है, अगर आपकी कोई सिस्टर है, अगर वो मैरिड है तो ठीक है, दैट्स इट। लेकिन यूँ नहीं करना है कि उसका नाम ये है, अगर वो परस्यू कर रहा है तो इस फलाना फलाना कंपनी कॉलेज में है, वो उसके कॉलेज का नाम भी बताने लग गए, नो, बस खत्म हो जाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को बताना है, ठीक है, लेकिन लंबा नहीं खींचना चाहिए। एंड एट लास्ट आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया है, ठीक है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी एंड ईयर आल्सो, यूनिवर्सिटी एंड ईयर, ईयर बताना बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है, अगर आपके पास गैप है, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा, सपोज कह रहा हूं 2017 में और अभी चल रहा है 2021, तो डेफिनेटली दे विल आस्क चार साल क्या किया, तो आपको इसकी प्रिपरेशन रखनी होती है। इसको बोलते हैं इंटरव्यू हमारी तरफ से लेके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऐसे हैं, अगर आपने प्रिपेयर कर लिए अच्छे से तो इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। और ईयर का मेंशन करने से 90% दे विल मूव टुवर्ड दैट कि भैया ये चार साल आपने क्या किया, बाकी सारी चीजें ढक जाएंगी, मैं लिटरली बता देता हूं। तो कई इसीलिए ग्रेजुएशन का जो ये ईयर है, ये हमेशा कोशिश कीजिए लास्ट में रखें। यूनिवर्सिटी का नाम भी बताना है, कॉलेज में मत जाइए, कॉलेज का नाम नहीं भी बताया चलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना जरूरी है और ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना जरूरी है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी वो आपसे पूछेंगे रिलेटेड टू दिस कि भैया किसने सजेस्ट किया, अभी आप पास आउट हुए हैं तो आप बैंकिंग में कैसे आ गए। तो अचानक से आपका इंटरव्यू टेक्निकल चीजों की जगह जनरलाइज चीजों पर चला जाएगा और जिनके आंसर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए। अभी कई लोग बोलते हैं, सजेस्ट करेंगे, फैकल्टीज भी बोलेंगे, कई जो इंटरव्यू देने वाले हैं, कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे जाएं, जरूर बताएं, या हॉबीज बताएं, क्लियर। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, डोंट गो फॉर इट, मत बताइए, क्योंकि इसको बताने से एक अननेसेसरली डिबेटेबल चीजें क्रिएट हो जाती है। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं इन चीजों में, यूजुअली क्या होता है, 90% स्टूडेंट डोंट हैव पर्टिकुलर हॉबी, वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर उनका क्वेश्चन रहता है, सर क्या हॉबी बोलूं जो रिलेट करेगी, जिससे मुझे जॉब में भी काम आए। ये जब फिटिंग करते हो ना, वो फिटिंग अगर उनको समझ में आ गई कि यार आपको ये है नहीं हॉबी, आपने सिर्फ आंसर देने के लिए बोली है, तो फिर वो आपका वर्स्ट इंटरव्यू साबित हो सकता है। तो ये चीजों को जानबूझकर ना उकसाएं, क्लियर, तैयार रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको तैयार नहीं करना है, करना है, लेकिन ये इंटरव्यू को किसी भी एस्पेक्ट में लेके जा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सेम विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके, क्लियर। कोई भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस चला के किसी को मत बताइए, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड है इन क्वेश्चंस में, वो खुद पूछने दीजिए, कुछ सवाल उनको भी। अदरवाइज एक तो इसका ना बताने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि अदरवाइज इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा,
योर इंट्रोडक्शन विल बी प्रोलॉन्ग्ड, माइट बी फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाए, और अगर वो शुरुआत में आप में डिसइंटरेस्टेड हो गए तो फिर मार्क एवरेज मिल जाते हैं या फिर कम मिल जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखो, तो उनकी क्यूरियोसिटी आप में बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन जो इन चीजों में है अपने बैकग्राउंड के बारे में जरूर दीजिए, ये मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस है। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको माने या आप, अगर आपको स्ट्रेंथ वीक ने कोई किसी ने, क्योंकि देखो अभी आप ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ मेरा ये वीडियो देखोगे, आप अभी 36 तरह के और वीडियो भी देखोगे, तो हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से गाइड करता है। मैं अपने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रख रहा हूँ, दिस इज प्लेन एंड प्योर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्लियर गाइज। तो इंट्रोडक्शन लगभग सब लोगों को अच्छा तैयार रखना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूँ माइट भी वो ना पूछें, लेकिन आपके माइंड में प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन जनरली जो बनते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन से जो बनते रहते हैं, आप प्लेस कहाँ से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, पूछते ही हैं। जैसे किसी ने जाके, जैसे मैं प्रॉपर बीकानेर से हूँ तो मुझसे पूछेंगे ही पूछते हैं कि बीकानेर की क्या खासियत है, बीकानेर तो इस चीज़ के लिए फेमस है, किस किस चीज़ों के लिए फेमस है, बीकानेर के एमपी कौन है, बीकानेर का एरिया कितना है, वहाँ का अप्रॉक्स पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, कौन सा बड़ा इवेंट रिसेंटली वहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उनको आप वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, अपने प्लेस के बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और आप जो गैप लेते हैं, गैप का प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन और अभी इंटरव्यू के बीच में दो तीन साल का गैप होगा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो 2016 में पास आउट हुए हैं, कोई 17 में पास आउट हुआ है, कोई 18 में पास आउट हुआ है, कोई 19 में पास आउट हुआ है, तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं, क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये अलग अलग ईयर हो सकते हैं, तो आपके पास अपने गैप का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर रहा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पूछते हैं, अगर आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया है तो फिर आपका इंटरव्यू इन सब चीजों पर जा सकता है, क्लियर, ओके। आई होप यू गॉट द थिंग्स जो मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थर्ड थिंग, व्हाई बैंकिंग एज अ करियर। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि बैंकिंग एज अ करियर क्यों लेना है, ठीक है, पूछते हैं, ये सबसे नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों का इंट्रोडक्शन या इनका स्टार्टिंग पार्ट डाइसी लगता है या फिर ऐसा लगता है कि यार ये श्योर नहीं है इसको क्या करना है, तो उनसे ये क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है कि बैंकिंग एज अ करियर आप क्यों चूज कर रहे हो। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओवर क्वालिफाइड है फॉर दिस पोस्ट। ओवर क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, देखो बीटेक है तो तब तक तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से एमटेक होते हैं, दे आर अपीयरिंग फॉर दिस बैंक पीओ एग्जामिनेशन, तो उनके ऊपर वो पूछते हैं कि अभी आप एमटेक भी किए हो, आपने अच्छे कॉलेज से भी किया है, देन व्हाई यू आर कमिंग टू दिस फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे बात होती है। या फिर कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी प्राइवेट में काम करने का 4 या 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बैंकिंग, तो बट ऑब्वियसली उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बैंकिंग एज ए करियर क्यों चूज कर रहे हो। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्पेशलाइज में ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कोई होटल मैनेजमेंट आ गया, कोई बंदा, किसी ने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, किसी ने बीएड एमएड कर रखा है, तो अलग सी डिग्री कर रखी है जिसका बैंकिंग से रिलेशन कोई नहीं है, तो उनसे जरूर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, व्हाई बैंकिंग एज अ करियर, आप क्यों चूज कर रहे हो, किसने सजेस्ट किया। तो यहां पे आपको बहुत सेंसिबल आंसर देना होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास समय है, आराम से इसका एक अच्छा और सेंसिबल आंसर जरूर चूज करें, ठीक है, नहीं तो मैं आने वाले किसी वीडियो में इन सब चीजों पे बात करूंगा, ठीक है। अब ये चीजें ऐसी नहीं है जो वीडियो में अपलोड की जाएं, ये थोड़ा सा वन टू वन गाइडेंस करने वाली चीजें होती है, क्योंकि इसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपका क्या पास्ट रहा है, आपने किस तरह से, आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, वो जानना बहुत जरूरी होता है किसी को भी इन चीजों में गाइड करने के लिए, क्लियर। तो थोड़ा सा ये चीजों पर ध्यान देना होता है, क्लियर गाइज। तो इस क्वेश्चन को बहुत संभाल के बनाइएगा, ओके। उसके अलावा जो बीकॉम कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने एकेडमिक्स को बहुत अच्छे से कर लें, जो बीकॉम कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि उनसे वो बीकॉम रिलेटेड चीजें बहुत पूछते हैं, क्योंकि बीकॉम उनके फील्ड का बंदा है, ठीक है ना, बैंकिंग के फील्ड का बंदा है, क्योंकि उसने बैंकिंग पढ़ी है, उसने इकोनॉमिक पढ़ी है एज अ देयर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो डेफिनेटली वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग पूछते ही हैं,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है, डिटेलिंग थोड़ा सा डिटेलिंग में लेके जा सकते हैं, कंपनी एक्ट को प्रेजेंट करो, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए रिसेंटली कंपनी एक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। ओके, तो बीकॉम वाले और फाइनेंस में अगर किसी ने एमबीए किया है तो, या जिसका बीए हुआ है इकोनॉमिक्स के साथ, इन लोगों को थोड़ा सा इन तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए। उनका सारा का सारा इंटरव्यू इन्हीं चीजों पे खींचा जा सकता है, होता है ये बच्चों के साथ, ठीक है, क्लियर। और जो अदर देन होते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग बंदे हैं, ठीक है, तो उनसे बहुत ज्यादा उनके एकेडमिक्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइट भी फाइनल में कोई इंजीनियर ना हो, माइट भी, तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बट एक दो बेसिक ऐसे कंसेप्ट जो एज अ इंजीनियर आपको मालूम होना ही चाहिए, वो इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो एकदम किसी एज अ इंजीनियर आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल या ऐसे कुछ कंसेप्ट वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मुझे एक याद है कि एक इंटरव्यू में हम थे, मतलब हमारे पैनल में दो तीन बच्चे ENTC इंजीनियर थे, तो उन सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरी पृथ्वी को, ठीक है, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए या देखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए कितने सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ENTC का बंदा है तो वो उसी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन लगभग तीन या चार बच्चे थे हमारे पैनल में सबसे पूछा गया था, ठीक है। तो एज ए ENTC इंजीनियर, जिस जो ENTC से, उन्होंने बहुत, अब हमें नहीं पता, मैं ENTC से नहीं है, हमें इंजीनियरिंग नहीं पता, तो हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बट जो बिलोंग करते हैं इस फील्ड को, उनके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई मैकेनिकल थे तो उनसे बार बार एक ही क्वेश्चन, फ्लिप फ्लैप कुछ पूछ नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो बंदे थे या ये इलेक्ट्रिकल के कोई बंदे थे, उनसे एक ही क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, बट एक कॉमन क्वेश्चन था जो लगभग हर बंदे से पूछा जा रहा था। तो वो क्या करते हैं, जो अलग से जो इंजीनियरिंग या फिर कोई BSc या फिर कोई MSc बंदा जा रहा है, तो उनके लिए उनके सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत फिक्स होते हैं, बहुत फिक्स होते हैं। जैसे कोई BSc का बंदा चला गया, केमिस्ट्री है, तो वो पूछ लेंगे इस, उसने केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, तो पूछ लेंगे इस बार का केमिस्ट्री का नोबल किसको मिला, लास्ट ईयर का केमिस्ट्री का नोबल किसको मिला था। तो ये चीजें थोड़ी सी आप अलर्ट रखिए, किस खोज के लिए मिला, उसने क्या ऐसी खोज की जिसके लिए उसको नोबल मिल रहा है। तो बीएससी वालों के लिए क्वेश्चन, ये मेरे से खुद से दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आई एम अ नॉर्मल बीएससी कैंडिडेट, तो बीएससी में ये क्वेश्चन नॉर्मल है, मतलब अगर मैंने 7-8 इंटरव्यू अपीयर किए हैं तो कम से कम 2 या 3 इंटरव्यूज में मुझसे ये चीज पूछी गई है कि भैया केमिस्ट्री का नोबल किसको दे रहे हैं, बॉटनी का नोबल, बायोलॉजी का नोबल किसको मिला, फिजिक्स का नोबल किसको। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, मतलब फॉर दिस जस्ट एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजों में थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट जो अभी बता रहा था, आधा बात तो बता ही चुका हूं, शैल आई प्रिपेयर एकेडमिक क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स, यस। तो बीकॉम कैंडिडेट्स और जो आपके फाइनेंस एमबीए कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एमबीए विद फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, या फिर जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है, उन लोगों के लिए भी, तो उनके क्वेश्चंस मोर ओवर जो होते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, अच्छे खासे, ठीक है। तो थोड़ा इन चीजों के ऊपर आपको स्ट्रांग रहना है, और अदर वालों से ऐसे कुछ क्वेश्चन जनरल पूछ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया 2016 में या 17 में, अब वो आपसे ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछेंगे आपकी एकेडमिक के बारे में, बट वो कुछ ऐसी चीजें पूछ सकते हैं कि भाई आप अलर्ट हैं कि नहीं है, उनको ही पता होता है यार 2016-17 में उन्होंने पास किया है, तो माइट बी ही वॉज नॉट कंटिन्यूइंग दैट स्टडी, क्लियर। तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट फिर भी एक या दो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक आपके अवेयरनेस और या आपका अटेंटिवनेस चेक करने के लिए देके ना सकते, ठीक है। तो बहुत डिटेलिंग में पढ़ने की, ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपने ग्रेजुएशन की सारी बुक निकाल के देख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, और बैंकिंग में इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दे विल गिव यू इंस्टेंस एंड दे विल आस्क व्हाट, हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल ये कह देंगे कि आप कैशियर हैं, आपको कैशियर की जगह पे बैठे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे 2000 रुपए के 15 नोट मांग लिए और बोला कि मैं इसका वाउचर बाद में दूंगा, तो क्या आप दोगे क्या मैनेजर को, ठीक है, या फिर कोई कैश निकालने आ रहा है, आपका फ्रेंड है, आप किसी ब्रांच में उस मैनेजर को जानते हो, बट फ्रेंड अपना आईडी कार्ड भूल गया है, आइडेंटिटी भूल गया है, तो वो मैनेजर आपसे कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या आप उसको पर्सनली जानते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, क्या वो अपना ट्रांजेक्शन कर ले उस बैंक के साथ या ना। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत बार देते हैं,
ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी बस एक चीज याद रखो, एथिकल होना चाहिए, जो भी हो रहा है एथिकल होना चाहिए और ऑन पेपर होना चाहिए। बैंक का कोई भी काम हवा में नहीं होता है, ठीक है, ट्रस्ट पे नहीं होता है। बैंक हमेशा कोई भी काम करेगा वाउचर के साथ और प्रॉपर रिटर्न के साथ करेगा। तो कोई भी आपका सीनियर या कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे फेवर चाह रहा है और वो भी विदाउट रिटर्न के, तो हमेशा उस चीज के लिए आपका पहला आंसर नो होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने उसने ऐसा कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको दिया है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो आप सीधा सा कह सकते हो, सर मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट एज पर एसओपी में जाना प्रेफर करता, वो एसओपी क्या है उसके लिए मुझे बैंक में आना पड़ेगा, तो वो देखने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, बस इतना आप थोड़ा सा। या फिर ये भी बोल सकते हो, सर एसओपी या हायरार्की का मुझे आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैं आई एम नॉट इन पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर भी वो इनकरेज करेंगे, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, तो फिर उनकी परमिशन लेते हुए कि सर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है बट मेरे हिसाब से मैं ये कर देता, बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि इज दिस अ राइट वे और नॉट, ये जरूर बोलें ताकि उनको ये लगे कि यार यार आप अपने सोच समझ से आंसर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया है आपने। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान दे सकते हो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जी हाँ ये जरूर पढ़ के जाएं, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बहुत डिटेलिंग में भले ही मत जाएं, अगर आप बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहते हो तो बहुत डिटेलिंग में ना जाएं, बट इतना जाएं कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर एक बंदा बैंक का इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू पैनल है, उसके सामने एक स्टूडेंट आया है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उसकी रिक्वायरमेंट, पैनल मेंबर की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बंदे से ये होती है कि उसको, उसे ये तो पता होता है कि यार ये पूरा इकोनॉमिक्स तो नहीं जानता होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे होती भी नहीं है, क्लियर, वो क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आया हुआ है, और वो उसको ही पता है ये कोई प्लान्ड मैनर से तो आया नहीं है, ये तो आया है तो मजबूरी में ही आया है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उस इंजीनियरिंग बंदे से ये होती है कि एटलीस्ट उसको बैंकिंग के बारे में कुछ तो पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछा बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, तो बेसल नॉर्म्स के बारे में एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि बेसल नॉर्म्स क्या है, कब बनी थी, कभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपके करंट में भी है, आपने एज ए सब्जेक्ट करंट अफेयर पढ़ा ही है, तो वो चीजें आपसे जानना चाहता है। और अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट रहता है तो उनके मोर ओवर जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, मोर ओवर क्वेश्चंस, ओके, जो अभी रिसेंट चीजें हो रही हैं। और अगर आप उनको लगता है कि आपका किसी चीज पे भी कमांड नहीं है तो वो एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा हो जाता है, हम कुछ पढ़ के गए बट वहां से कुछ नहीं आया, उन्होंने कुछ नई ही टर्म पूछ ली, क्लियर, ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है। अगर वो आंसर कोई नहीं बता पाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बात करें, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप शांत रहें, क्योंकि उनको मार्क्स आपके शांत रहने पे नहीं दे सकते, आप कुछ बोलेंगे, कुछ अपने विचार रखेंगे, तो उसके ऊपर वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहें तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा होता तो वो जनरल क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं, दैट ऑल्सो हैपन, ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये आंसर नहीं दे पाए तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं या फेल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब से वो जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि बैंकिंग सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बताइए, एक वेरी जनरल क्वेश्चन, वेरी जनरल क्वेश्चन, बट वो आपसे आंसर बोलते रहेंगे जब तक उनके दिमाग में जो पॉइंट सुनना है उनको वो नहीं आएगा, तब तक वो पूछते रहेंगे, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन दे के नास्क, ये भी पूछ सकते हैं जो मर्जर हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, जनरल थिंग, एकदम जनरल थिंग, क्लियर। तो ये चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा बैंकिंग की अगर टेक्निकलिटी उन्होंने पूछ ली और अगर आपको नहीं भी आती है तो उनकी तरफ से वो कोई भी गलत, मतलब उस नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, कईयों को ये फील होता है यार बैंक वाले ने, इंटरव्यू पैनल ने, आपको कई लोग देते हुए मिलेंगे, इंटरव्यू पैनल ने मुझे 15 क्वेश्चन पूछे, मैंने 12 के आंसर दे दिए, 3 के नहीं दिए, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएं, क्या पता जो 3 के आंसर नहीं दिए वही आपको ले डूबे, ठीक है। तो इस पे बेस पे ये कोई रिटन एग्जाम नहीं हो रहा कि 15 मार्क्स आए थे, 12 सही दिए हैं, 3 गलत दिए हैं, इसके ऊपर मार्किंग नहीं होती है,
ठीक है ना। और इंटरव्यू के क्वेश्चन कोई गलत और कोई सही नहीं होता है, वो आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत और आपके वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर आपको मार्क देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, मैंने एक जनरल क्वेश्चन आपको बोला, बैंकिंग का रोल इकोनॉमिक में क्या होगा। अब आप 4 या 5 पॉइंट तो बिल्कुल आराम से बोल सकते हो, बैंक्स का रोल, गवर्नमेंट बैंक या किसी भी बैंकिंग का रोल इकोनॉमी में क्या होता है, जनरली बोल सकते हो। अब वो सही और गलत का जजमेंट हम नहीं करते ना, वो तो इंटरव्यू पैनल का काम होता है सही और गलत का जजमेंट करना। बात समझ में आई? तो ये जो इंटरव्यू की मार्किंग होती है, ऐसे नहीं होती है कि आपने 12 सही दिए थे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं। ये आपका रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है कि यार क्वांट में 25 किए हैं, 20 सही है, 5 गलत है, तो उसके हिसाब से मार्क आएंगे, नहीं। इंटरव्यू में तो ऐसा भी हो सकता है आपने एक ही आंसर नहीं किया और वो क्वेश्चन था जिसके ऊपर उन्होंने आपके बारे में एक इमेज बना दिया, क्लियर। तो ये सारी चीजों में आपको ध्यान देना होता है। तो इंटरव्यू इज नॉट अबाउट, कई बार ऐसा भी हमने देखा है यार, एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मोस्टली का आंसर आपका नो था, बट फिर भी आपने 7 या 8 क्वेश्चन या 5 या 7 क्वेश्चन बहुत सेंसिबली तरीके से आंसर किए, उन लोगों को 100 में से 70 या 80 मार्क तक आए हैं, क्लियर। एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग और डकिंग ऑल द आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। कई बार हो जाता है ऐसा, कई बार वो चीज ऐसी पूछ लेते हैं जो पढ़ी तो है बट उतने श्योर नहीं है, तो इन चीजों के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो घबराना नहीं है आपको, अपनी घबराहट वहां पे शो नहीं करनी है उनके सामने, ठीक है। और ऐसा गिल्ट भी नहीं दिखाना है कि आपको आ नहीं रहा है ना, क्लियर, ओके। और एक और चीज है, ये मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आपने ये सुना भी होगा, कई लोगों ने आपको कहा भी होगा कि अगर कोई आंसर ना आए तो गैसिंग मत करो, स्ट्रेट अवे नो कह दो, करेक्ट है, सही बात है, लेकिन वो जो नो है थोड़ा सोच के आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपने एस्क्रो अकाउंट के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट एस्क्रो अकाउंट, व्हाट इज दैट। सपोज आपको एस्क्रो अकाउंट क्या होता है नहीं पता है, तो आप ये मत बोलिए सर नो नो नहीं आता सर, नहीं, थोड़ा सोचिए तो सही, मतलब वो सोच के बैठ जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, पैनल मेंबर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यार ये रट के आया, किसी ने इसको बोला है, ना आए तो नो बोल दो, लेकिन नो बोलने का तरीका क्या है वो भी तो मैटर करता है, किस वे में आप ना कर रहे हो, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। और वो आपको बार बार एनकरेज कर रहे हैं, नहीं नहीं थोड़ा सोचिए तो सही, फिर भी आप एकदम ब्लंट होके नो सर नो, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे एकदम इतने ज्यादा रोबोटिक्स बन के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्रिपरेशन समटाइम लीड टू बी बिकम रोबोटिक इन इंटरव्यू, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये चीजों के ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, और ये गलतियां बहुत कॉमन है, इतना पढ़ा हुआ खराब हो जाता है बच्चों का, क्लियर। तो ये बहुत स्पॉन्टेनियस रहना है आपको, बहुत नेचुरल रहना है, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं, ना कि किसी रोबोटिक थिंग को। और वो बहुत जल्दी आइडिया लगा लेते हैं कि आपने कहां से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज बता देता हूं, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या हम यहाँ इंटरव्यू यहाँ बोल सकते हैं कि नहीं इन चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल एक जैसे पुणे के अंदर है कोई बड़ा कोचिंग क्लास है, सब बच्चे वहीं जाके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो होता क्या है सबके आंसर लगभग एक टोन में बन जाते हैं, और पुणे से तैयारी कर रहे हो तो इट मीन्स इंटरव्यू भी पुणे में ही है, तो जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं और बैक टू बैक लोगों के आंसर सेम से आ रहे होते हैं, तो फिर वो आइडिया लगा लेते हैं क्या तुम रट के आए हो, क्योंकि बैक टू बैक आंसर हो रहे हैं, और ये चीज़ें होती हैं, और वो सीधा माइनस कर देते हैं, क्लियर, ओके। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बार ऐसा बच्चों के साथ होता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सब बच्चों को एक ही रटवा दिया जाता है, और जब वो पूछते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि यार ये वर्डिंग सुनी भी लग रही है हमारे, और वो बैक टू बैक एक ही पैनल मेंबर से सुनते हैं, तो बड़ा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं हमेशा कहूंगा रटिए मत, कोई चीज को रटिए मत, समझिए क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ एडवाइसेज हैं आप लोगों को, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी होंगी, तो इनको इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। जनरल था ये, हालांकि मैंने इसमें कोई टेक्निकल चीजें आप लोगों को नहीं बताई, एक जनरल मेरे एक्सपीरियंसेस से, और फिर जिन लोगों से मैंने इंटरेक्शन रखा है जो पैनल में भी रहे हैं, ये उनके एक्सपीरियंसेस से हम आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कोशिश करूंगा एक दो वीडियो और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और जो लोग नए हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, चलिए बाय बाय दोस्तों।